नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीरज चुग। आइए, आज हम मिलते हैं मिस स्वाति से, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नमस्कार मैम। तो फिजियोथेरेपी के लाभ तो हमें सभी को ही पता है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका इलाज बिना दवाइयों के ही पॉसिबल होता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल से आज हम जानेंगे मिस स्वाति से। तो स्वाति जी, आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो फिजियोथेरेपी से सही हो सकती हैं? देखिए, मोस्टली तो हमारे क्या है कि फिजियोथेरेपी में हर बीमारी का इलाज है, बट मेन क्या होता है कि आजकल जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्वाइकल और बैक पेन बहुत रहता है पेशेंट्स को। उनको क्या है कि हम लोगों का नॉर्मल पोस्चर ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं या हर वर्क हमारा सिटिंग में होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यह आती है कि पेशेंट को सर्वाइकल है, पेशेंट कंप्लेन करता है बैक पेन है, नीज़ में पेन है। मेनली ये बीमारियों के ज़्यादा ट्रीटमेंट हैं इसमें। तो आजकल जैसे लोगों को पेन का दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, तो इन रोगों से मतलब लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, तो इनका आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हो? देखिए, जैसे सर्वाइकल और बैक पेन है, सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि हम पेशेंट्स का पेन कंप्लेन करें, पेन कम करें। पेन ये है कि पेशेंट का पेन कम होगा वो ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलीव होगा। तो सबसे पहले हमें होता है कि मोस्टली पेन कम करने के लिए हम पेशेंट्स को थेरेपी देते हैं। कुछ मशीनें होती हैं, कुछ हम ये है कि बाय द हैंड करते हैं कि मैनुअल थेरेपी। फिर ये होता है कि जब वो प्रॉपर थोड़ा सा ठीक है कि विद इन 0.5% पेशेंट को रिलीव है, देन हम उसको एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो डेली रूटीन में हम थेरेपी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना फ़ायदेमंद है या नहीं, किस तरह से, आप उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। एक्चुअली क्या होता था कि पहले हम लोग मोस्टली वर्किंग होता था, सारा कुछ हमारा हाथों का वर्क होता था, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था। आजकल क्या है, हम लोगों का टेबल वर्क है, सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर वर्क इतना है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता अपनी फिजिकल एक्टिविटी वापस लाने का। तो फिजियोथेरेपी रिलेटेड ये है कि हाँ, थेरेपी है, बट आप ये है कि मोस्टली अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइजेज हो गई, योगा हो गया, आप शामिल करोगे तो यू शुड बी फिट। तो फिजियोथेरेपी के जो इम्पोर्टेंस हैं, आप उसके बारे में हमें कुछ डिटेल से बताएं भी, क्या क्या हम इसके लाभ ले सकते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी ये है कि हम कई बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, हम जैसे बैक पेन है, सर्वाइकल है, पेशेंट्स को जॉइंट्स पेन रहता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मली स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं कि दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, हम लोग उनको भी हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी के उससे एटलीस्ट हम ये नहीं बोलते कि वो पूरा प्रॉपर अपना हम लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, बट ये है कि हाँ, पॉसिबल कि वो अपना सेल्फ स्टैंड हो सकते हैं। ठीक है, कई पेशेंट पैरालिसिस होते हैं, उनको उनकी डेली रूटीन की लाइफ में लेके आना, उनको प्रॉपर अपना उनका उसमें लाना कि हाँ, वो अपना वर्क खुद कर सकें एटलीस्ट। ठीक है, बाकी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें हम मोस्टली फिजियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। स्वाति जी ने आज हमें फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो हमारे पल पल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।